नमस्कार, सुमन्स किचन में आपका स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही टेस्टी और हेल्दी आटे की पंजीरी। और अभी सर्दियां भी हैं तो शरीर को गर्म रखने में ये पंजीरी काफी हेल्पफुल होती है। तो पंजीरी बनाने के लिए पहले हम कुछ ड्राई फ्रूट्स को शैलो फ्राई कर लेंगे। कढ़ाई गर्म हो गई है तो हम इसमें एक चम्मच के करीब देसी घी डाल देंगे। और अब घी अच्छे से गर्म हो गया है तो हम इसमें डालेंगे 100 ग्राम तरबूजे के बीज। और इन्हें हम लो फ्लेम पर लगातार चलाते हुए फ्राई कर लेंगे। और ये अब चटकने लगे हैं तो ये अच्छे से फ्राई हो गए हैं तो इन्हें हम प्लेट में निकाल लेंगे। और अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा कटा हुआ नारियल और इसे भी हम थोड़ा सा क्रिस्पी होने तक फ्राई कर लेंगे। और अब इसका कलर चेंज हो गया है, क्रिस्पी भी हो गया है तो हम इसे भी निकाल लेंगे। और अब हम इसमें डालेंगे आधा कसा हुआ नारियल और इसे भी एकदम लो फ्लेम पर फटाफट चलाते हुए थोड़ा सा भून लेंगे। नारियल को बस 2 से 3 मिनट ही भूनना है। तो अब ये हो गया है तो इसे भी हम निकाल लेंगे। अब हम इसमें 250 ग्राम घी ऐड करेंगे और कुछ ड्राई फ्रूट्स को डीप फ्राई करेंगे। और घी अच्छे से गर्म हो गया है तो गैस का फ्लेम हमें लो से मीडियम ही रखना है। तो सबसे पहले हम फ्राई करेंगे 100 ग्राम बादाम। फ्राई करते समय बस इसका ध्यान रखना है कि आप इन्हें लगातार चलाते रहें ताकि ये एक बराबर फ्राई हो। बादाम को फ्राई होने में 3 से 4 मिनट लगेंगे। तो यहाँ पर मैंने सभी ड्राई फ्रूट्स को अच्छे से पानी से धोकर धूप में सुखा लिया था और इनमें अब किसी भी तरह की इम्प्योरिटीज नहीं है। और अगर आप धोना नहीं चाहते तो आप इन्हें बस धूप में सुखाएं और कॉटन के कपड़े से अच्छे से पोंछ दें क्योंकि काफी सारे पेस्टिसाइड्स का यूज होता है इनको प्रिजर्व करने के लिए, तो इस बात का जरा ध्यान रखें। और अब 3 से 4 मिनट हो गए हैं तो बादाम जो है वो काफी अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। तो इससे ज्यादा हमें फ्राई नहीं करना है क्योंकि इन्हें ठंडा होने में भी टाइम लगता है तो ये ओवर कुक हो जाएंगे अगर हम इन्हें अभी नहीं निकालेंगे। तो ये फ्राई हो गए हैं तो हम इन्हें प्लेट में निकाल लेते हैं। और अब हम फ्राई करेंगे काजू। तो काजू भी हमने 100 ग्राम ही लिए हैं और काजू को भी हम इस तरह लगातार चलाते हुए हल्का सा कलर चेंज होने तक इसे फ्राई कर लेंगे। तो काजू भी अब फ्राई हो गए हैं। काजू को फ्राई होने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है और इनका कलर थोड़ा सा चेंज हो गया है तो हम इन्हें निकाल लेंगे। अब हम इसमें फ्राई करेंगे मखाना। और मखाना हमने यहाँ पर 50 ग्राम लिया है पर थोड़ा थोड़ा करके हम इसमें डालेंगे क्योंकि ये भी बहुत जल्दी फ्राई हो जाते हैं और इन्हें भी हम डीप फ्राई ही करेंगे। मखाने को आप शैलो फ्राई भी कर सकते हैं पर डीप फ्राई करने से इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। तो मखाना भी अब फ्राई हो गया है तो हम इसे भी निकाल लेंगे और बचे हुए मखाने को भी फ्राई कर लेंगे। और अब हम फ्राई करेंगे गोंद। और गोंद हमने यहाँ पर 100 ग्राम ली है तो थोड़ी थोड़ी करके फ्राई करनी है, ज्यादा नहीं। और इसे इसी तरह से लगातार लो फ्लेम पर ही फ्राई करना है इसे भी। तो गोंद अच्छे से फ्राई हो गई है तो इसे भी हम निकाल लेंगे। और हमने सभी चीजों को अच्छे से फ्राई कर लिया है तो कढ़ाई को मैंने साफ करके ले लिया है। और अब हम इसमें डालेंगे 150 ग्राम देसी घी। अब हम आटा भूनेंगे। घी हम आटे में एक साथ ऐड नहीं करेंगे, थोड़ा थोड़ा करके ऐड करेंगे। और घी अच्छे से गर्म हो गया है तो हम इसमें ऐड करेंगे 1 किलो आटा। और आटे को हम अच्छे से चलाते हुए घी के साथ मिक्स करेंगे और गैस का फ्लेम लो रखेंगे। हमने आटे और घी को अच्छे से मिक्स कर लिया है पर अभी इसमें घी कम लग रहा है तो थोड़ा सा घी
और ऐड कर देते हैं लगभग 100 ग्राम और अब हम इसे मिक्स कर देंगे। तो अब बस इसे लगातार चलाते हुए भूनना है। तो इसे नीचे से चलाते हुए भूने, तो आटे को हम लगातार चलाते हुए लो फ्लेम पर ही भूनेंगे। और मेरा बर्तन यहाँ छोटा हो गया है तो आप थोड़ा बड़ा बर्तन लें ताकि हमें इसे चलाने में थोड़ी सी आसानी हो। तो आटे को भूनते हुए लगभग 7 से 8 मिनट हो गए हैं, तो अभी भी ये थोड़ा सूखा ही लग रहा है। तो हम इसमें थोड़ा सा घी और ऐड करेंगे, लगभग 100 ग्राम घी ऐड कर रही हूँ। तो घी जो है वो इसी तरह से ऐड करना है, एक साथ सारा नहीं। अगर काफी ड्राई लग रहा है तो हम इसमें घी ऐड करेंगे। पंजीरी में घी जो है वो कम नहीं रहना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर हमने 1 किलो आटा लिया था तो इसको भूनने के लिए लगभग 350 ग्राम घी का इस्तेमाल मैं अभी तक कर चुकी हूँ। तो इससे ज्यादा घी हम इसमें नहीं ऐड करेंगे, क्योंकि हमने ड्राई फ्रूट्स को भी डीप फ्राई किया है तो घी ज्यादा हो जाएगा। गैस का फ्लेम जो है वो लो से मीडियम ही रखना है, क्योंकि आटा है बहुत जल्दी जलने लगता है। और इसको भुरभुरा होने तक हम अच्छे से भून लेंगे, इसमें किसी भी तरह की गांठें नहीं रहनी चाहिए। पंजीरी बनाने में बहुत टाइम लगता है क्योंकि आटा हमें अच्छे से भूनना होता है। तो अब हमने आटे को लो फ्लेम पर लगभग 20 मिनट अच्छे से भून लिया है और आटा जो है वो एकदम भुरभुरा हो गया है और इसका कलर जो है वो काफी चेंज हो गया है। तो अब हम गैस को स्विच ऑफ कर देंगे और अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 चम्मच सौंठ पाउडर और इसे भी हम इसमें अच्छे से मिक्स कर देंगे, क्योंकि आटा काफी गर्म है तो इसे हमें अलग से भूनने की जरूरत नहीं है। तो सौंठ जो है वो इसी के साथ भुन जाएगी। तो अब हम इसे किसी खुले बर्तन में निकाल लेंगे, क्योंकि कढ़ाई काफी गर्म है। अगर हम इसे इसी में रहने देंगे तो आटा जल जाएगा, तो इसे दूसरे बर्तन में निकाल लेते हैं और इसे अब हम ठंडा होने देते हैं और ड्राई फ्रूट्स को ग्राइंड कर लेते हैं। पर उससे पहले हम थोड़े से ड्राई फ्रूट्स जो है वो और मखाने थोड़े थोड़े से हम निकाल कर रख लेंगे। और ये जो हमने नारियल रखा था इसे हम निकाल लेते हैं और थोड़े से 4 मगज, तो इन्हें हम अलग रख देंगे। तो पहले हम बादाम, मखाने और काजू को कर लेते हैं ग्राइंड। इन्हें हमने दरदरा ग्राइंड कर लिया है और इसमें कुछ चीजें साबुत भी हैं और आप अपने पसंद अनुसार इसे ज्यादा बारीक भी कर सकते हैं या फिर दरदरा ही रख सकते हैं। अब हम गोंद और 4 मगज को बारीक ग्राइंड करेंगे। इन्हें अलग से ही ग्राइंड करना है और जब हम इसे बारीक ग्राइंड करते हैं तो ये पेस्ट फॉर्म में आ जाता है। और नारियल को हम ग्राइंड नहीं करेंगे। तो आटा जो है पूरी तरह से ठंडा हो गया है, तो हम इसमें डालेंगे ये जो हमने गोंद और 4 मगज का पेस्ट बनाया था वो डाल देंगे और जो ड्राई फ्रूट्स हमने दरदरे ग्राइंड किए थे उनको भी ऐड कर देंगे और कद्दूकस किया हुआ नारियल। और अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 बड़ा चम्मच सौंफ पाउडर। इसकी जगह आप यहाँ पर इलायची पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। 100 ग्राम किशमिश, और किशमिश को मैंने फ्राई नहीं किया है, अगर आप चाहें तो इसे फ्राई कर सकते हैं। और अब हम इसमें डालेंगे 750 ग्राम बूरा, और सारा एक साथ नहीं ऐड करना है, थोड़ा थोड़ा करके ऐड करना है, क्योंकि बहुत ज्यादा एक साथ ऐड करने पर सभी चीजें अच्छे से मिक्स नहीं हो पाती हैं। तो अब हम इन्हें मिक्स करेंगे और सभी चीजों को बहुत ही अच्छे से मिक्स करना है और ऐड कर देते हैं। और आप चाहें तो इसे हाथ से भी मसल सकते हैं अच्छे से, और मैं अभी इसे हाथ से ही मसलने वाली हूँ ताकि सभी चीजें अच्छे से मिक्स हो जाए। और हमने इस तरह से मसलते हुए ड्राई फ्रूट्स को और बूरे को अच्छे से पंजीरी में मिक्स कर दिया है।
ये जो है मिक्स हो गई है। तो यहाँ पर या तो आप इसे पंजीरी को इसी तरह से रखें या फिर थोड़ा सा इस तरह से लड्डू भी बांध सकते हैं। तो इस तरह से आप लड्डू बांधकर भी पंजीरी को रख सकते हैं, पर हम लड्डू नहीं बनाएंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे थोड़े से फ्राइड ड्राई फ्रूट्स। तो इन्हें मैंने पहले ही निकाल कर रख लिया था। जब हम इस तरह से ड्राई फ्रूट्स साबुत इसमें ऐड करते हैं तो पंजीरी का टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। तो लीजिए, पंजीरी तैयार है। आप भी बनाएं, अपने परिवार को खिलाएं। और अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगे तो आप इसे लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।